हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5। कह रहा है कि एक संख्या है, उसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी उस संख्या को 5 से गुणा करते हैं, तो क्या होता है, इज इंक्रीज्ड बाई 80। तो उस संख्या में 80 नंबर की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी उस वह संख्या 80 और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लेट करोगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, लेट कर चुके हैं हम लोग। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ठीक उसी तरह से करेंगे। एक संख्या वह 5 से मल्टीप्लाई हो गई ना 5 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या होता है, उसमें 80 की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी उस संख्या में 80 और बढ़ जाती हैं। तो एक्स प्लस 80 ये बढ़ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब ये एक्स इधर लाएंगे तो ये 5x अपनी जगह पे रहेगा और ये एक्स इधर आएगा तो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग में साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x में से एक एक्स चला गया तो यहाँ कुछ नहीं होता, तो कोफिशियंट 1 होता है। 5 में से एक जाने पर क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 80 बट्टे में 4, तो 20 चौके कितने हो गए, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। यही आपका आंसर है, ठीक है। या आप लोग लिख भी सकते हैं इन वर्ड्स, कैसे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 20। इस तरह से आप लोग दोनों तरीके से आंसर लिख सकते हैं, दिस और दिस ऑल्सो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।